आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की न्यू मैथमेटिक्स बुक के एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 के। तो सिंपल इन एमसीक्यूज को सॉल्यूशंस के साथ देखिए। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले ये जो पांच पॉइंट्स हमने आपके सामने रखी हैं, इन पांच पॉइंट्स को थोड़ा रीड आउट कर लें ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम आपको जो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करना पड़े। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास क्या है कि मॉड ऑफ जेड जो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से और वाई बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, तो इन डिनोमिनेटर्स नेवर पुट आयोटा माइनस साइन एंड स्क्वायर रूट। तो डिनोमिनेटर्स में हम कभी भी आयोटा को नहीं रखेंगे, माइनस साइन आ जाएगी उसको भी हम नहीं रखेंगे, और स्क्वायर रूट आ जाएगा उसको भी नहीं रखेंगे। तो उनको हम फिर सॉल्व करेंगे और वो सॉल्व होंगे हमारे सिंपल बाय रेशनलाइजेशंस। तीसरे नंबर पॉइंट के मॉड ऑफ जेड बराबर होता है जेड कॉन्जुगेट के मॉड के, और वो अगेन बराबर होता है माइनस ऑफ जेड मॉड्यूलस के, एंड देन वो अगेन बराबर होता है माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट ऑफ मॉड के। ये सब क्यों आपस में बराबर हैं? क्योंकि हम जो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है वो हमेशा हम पॉजिटिव में लेते हैं, इसलिए इनका जो आंसर्स है वो इस फार्मूले की मदद से सबका सेम ही आएगा। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट हमारे पास ये है कि कॉन्जुगेट ऑफ रियल पार्ट इज सेम। रियल पार्ट का अगर हमें कॉन्जुगेट कहा जाएगा तो वो जो क्वेश्चंस में हमें रियल पार्ट मिला हुआ होगा वही सेम होगा। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये हमेशा जो है ना वो जो साइन गिवन होगी उस साइन को हम चेंज करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन होगी उसको हम चेंज करेंगे। फॉर सपोज अगर प्लस है तो वो माइनस में चेंज होगी, और अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज होगी। तो सिंपल अब हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू। तो अगर हम मॉड ऑफ जेड निकालें तो वो मॉड ऑफ जेड इन ऑप्शन में से किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड जो है ना वो ऑप्शन ए के बराबर भी होगा, ऑप्शन बी के बराबर भी होगा, और ऑप्शन सी के बराबर भी होगा। क्योंकि मॉड की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें हम अगर माइनस का कॉन्जुगेट लेते हैं, अगर माइनस का मॉड लेंगे तो वो भी प्लस में आएगा, और अगर हम कॉन्जुगेट करके देन मॉड सॉल्व करेंगे तो उसका जवाब भी सेम मॉड ऑफ जेड के बराबर ही आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब सेकंड नंबर को देख लें, इफ़ जेड वन एंड जेड टू आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन। अब यहाँ पे भी हमारे पास मॉड की ही प्रॉपर्टीज़ है, तो जैसा कि हम पढ़ के आए हैं मॉड्यूलस की जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम मॉड सॉल्व करते हैं, चाहे वो जो है ना वो कंबाइन हो या अलग अलग मॉड सॉल्यूशंस हो, तो वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जब हम इसका कंबाइंड मोड सॉल्व करेंगे और जब हम इसका सेपरेट मोड सॉल्व करेंगे और उनको जब प्लस करेंगे तो उनका हमेशा आंसर्स क्या आएगा, इक्वल आएगा। नंबर एमसीक्यू, तो इफ़ जेड इज इक्वल टू थ्री आयोटा माइनस फोर देन जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। अब हमें सिंपल जो है ना इस जेड की वैल्यू से ये जो हमारे पास क्वेश्चंस, ये जो हमारे पास ऑपरेशंस है जेड का जेड कॉन्जुगेट से, इसको सॉल्व करके इन चारों ऑप्शन में से आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास इसमें जेड क्या है, जेड बराबर है थ्री आयोटा माइनस फोर के। हमसे पूछ रहा है कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जो है ना उसका आंसर्स निकालें। तो यहाँ पे हम जेड को रखेंगे थ्री आयोटा माइनस फोर और उसके बाद प्लस जेड कॉन्जुगेट निकालें इस वैल्यू का। तो कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलता है, तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस थ्री आयोटा होगा और ये रियल वैल्यू जो है ना वो सेम रहेगी। अब देखें तो यहाँ पे ये प्लस थ्री आयोटा और ये माइनस थ्री आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी माइनस फोर एंड माइनस फोर, माइनस फोर माइनस फोर, हमारे पास आंसर आएगा माइनस एट। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी माइनस एट। अब पार्ट फोर देखें इसका, तो इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी लेस देन ज़ीरो, मतलब ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा जो है ना वो लेस देन ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे ए बी का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में ही आएगा, मतलब कि लेस देन
जीरो। अब फाइव नंबर पार्ट देखें, इफ़ एन इज़ एन इवन इंटीजर, अगर एन जो है ना वो एक इवन इंटीजर्स है, टू फोर सिक्स एट ये जो हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं, अब उसमें सिंपल हमें मालूम क्या करना है कि आयोटा पावर एन किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शंस होगा, बट हम इसको वेरीफाई करते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास ऑप्शंस आएगा। देखिए हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर होता है माइनस वन के। अब यहाँ पे अगर हम आयोटा पावर फोर रखें तो आयोटा पावर फोर हमारे पास वन के बराबर होगा, वो कैसे? तो देखें आयोटा पावर फोर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन को जब हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव वन। अब उसके बाद इफ़ जेड इज़ एनी रियल नंबर एक्स देन इट्स कंजुगेट इज़, अब याद रहे कि रियल नंबर का कंजुगेट जो है ना वो हम सेम ही लेते हैं, तो रियल नंबर का कंजुगेट सेम ही होगा, एक्स का हम कंजुगेट ले रहे हैं तो क्या होगा, एक्स ही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो राइट ऑप्शन है। तो अब पार्ट सेवन एमसीक्यूज देख लें, माइनस वन पावर माइनस ट्वेंटी वन अपान में टू, अब हमें इसकी जो है ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो ए आयोटा, बी माइनस आयोटा, सी वन और डी माइनस वन, तो हम इसको सॉल्व करें और इसकी सॉल्यूशन जो है ना वो निकालें, देन हम इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल क्या है, माइनस वन और उसके ऊपर पावर है माइनस ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय टू, तो हम जानते हैं कि माइनस वन जो है ना वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम अगर इस तरीके से लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास इस तरीके से पावर होगा, यहाँ पे टू और टू आपस में कैंसिल होके बाकी हमारे पास यहाँ पे आयोटा माइनस ट्वेंटी वन बचेगा, और माइनस के पावर को अगर हम पॉजिटिव में लेना चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं वन अपान में आयोटा ट्वेंटी वन। अब सिंपल हम इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि वन अपान आयोटा इंटू आयोटा ट्वेंटी, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा ट्वेंटी वन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा ट्वेंटी जो है ना वो बराबर होता है वन के, क्योंकि हम आयोटा फोर को मालूम कर चुके हैं, आयोटा फोर जो है ना वो इवन इंटीजर्स में सेकेंड नंबर पर आता है, तो जो भी हमारे पास इवन इंटीजर्स में इवन नंबर्स पे आएगा वो हमारे पास वन के बराबर होगा। तो यहाँ पे इवन इंटीजर्स में ट्वेंटी जो है ना वो टेन नंबर्स पे आता है, तो टेन एक इवन इंटीजर है, इस वजह से हम आयोटा ट्वेंटी को भी क्या करेंगे, वन के बराबर लेंगे। तो जब हम इसके साथ वन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, वन अपान आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर्स में नहीं रखा जाता, तो इसी वैल्यू को हम सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा बन जाएगा, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो माइनस वन के बराबर है, तो सिंपल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस आयोटा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी है, वो करेक्ट ऑप्शन है माइनस आयोटा। एम सी क्यू देख लें, इफ़ जेड इज इक्वल टू जीरो कॉमा वन देन जेड स्क्वायर, अब हमें जेड स्क्वायर की वैल्यू सिंपल फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम देखें किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखें हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, और गिवन हमारे पास जेड है ज़ीरो कॉमा वन, तो हम सिंपल जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड करके लिखेंगे, तो जेड और जेड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जेड के कोऑर्डिनेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो सिंपल देखें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजुगेट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजुगेट जो है ना उसका फार्मूला याद रखें, उसका फार्मूला सिंपल क्या है कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी जो बराबर होता है, ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, और उसके बाद बी को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी डी, और देन कॉमा फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे ए डी, और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी सी। तो अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को रख लें, तो यहाँ पे ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा। अब ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद प्लस फिर वन ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इनकी सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आएगा, माइनस वन। तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी माइनस वन। तो अब पार्ट नंबर नाइन एमसीक्यूज देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें सिंपल रियल नंबर मिलेगा।
वो किस तरीके से देखेंगे, अगर हम यहाँ पे टू आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं टू आयोटा से, तो टू को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर आएगा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन, तो जब हम माइनस वन फोर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर। तो जैसा कि हमारे पास देखें तो इसकी प्रोडक्ट में आयोटा ख़त्म हो गया सिंपल। तो जिस भी नंबर में आयोटा नहीं आया था वो हमारे पास रियल नंबर होता है। तो दो नंबर्स की जब हम प्रोडक्ट करेंगे और दोनों नंबर्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो उनका हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा, रियल नंबर। उसके बाद हमारे पास इसका जो टेंथ नंबर पार्ट है उसको देखें, रियल पार्ट ऑफ टू प्लस आयोटा ओवर आयोटा इज इक्वल टू। तो इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है हमें उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारे पास सिंपल क्या है, टू प्लस आयोटा ओवर आयोटा। तो जैसा कि हम आपको अभी ऊपर क्वेश्चंस में बता के आए हैं कि आयोटा जो है ना वो डिनोमिनेटर्स में नहीं आती, तो हम इसको आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम इसको आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा टू से मल्टीप्लाई होके टू आयोटा, और प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। देन हमारे पास आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन, और नीचे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू भी हम पुट करें माइनस वन। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो जब हम इनको अलग अलग करेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस टू आयोटा और माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, माइनस माइनस में कैंसिल, हमारे पास जो रियल पार्ट इसमें सिंपल आएगा वो क्या आएगा, वन ओवर वन, इसका मतलब कि सिर्फ वन। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए वन। इलेवन पार्ट देखें, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर शोन इज कॉल्ड। तो ऐसा प्लेन जिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर शोन होते हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन ही होता है। अब ट्वेल्व नंबर देखें, तो द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई फ्राम। तो ये हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जब जेड बराबर हो एक्स प्लस आयोटा वाई के, तो वो हमारे पास हमेशा जो है ना वो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। अब इसका जो थर्टीन पार्ट है उसको देखें, इफ़ जेड वन इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा जेड टू इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा, देन जेड वन इन टू जेड टू मॉड्यूलस को मालूम करें। सोते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो जेड वन है वो बराबर है टू प्लस थ्री आयोटा के, और उसके अलावा जो हमारे पास जेड टू है वो बराबर है वन माइनस आयोटा के, और हमें जेड वन इंटू जेड टू मॉड्यूलस को सॉल्व करना है। तो अब इसमें देखें, हम सिंपल पहले जेड वन को लिखें, जेड वन हमारे पास क्या है टू प्लस थ्री आयोटा, और उसके बाद जेड टू की वैल्यू लिखें वन माइनस आयोटा। अब इसका हमें मॉड्यूलस करना है, बट पहले देखें तो यहाँ पे ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट को हम सॉल्व कर लें। टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू, और उसके बाद थ्री आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और देन हम अगेन अब उसके बाद हम फिर टू को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आयोटा आएगा, और फिर हम थ्री आयोटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस थ्री आयोटा आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उसका फार्मूला है, उसके ज़रिए हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व की है। अब देखें इनको सॉल्व करें, तो यहाँ पे टू माइनस थ्री आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो माइनस टू आयोटा प्लस थ्री आयोटा, ये हमारे पास सिर्फ आयोटा आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसको अगेन सॉल्व करें तो टू प्लस थ्री फाइव आ जाएगा, और उसके बाद प्लस आयोटा। तो अब हमारे पास सिंपल जो है ना इस वैल्यू का हमें मॉड्यूलस सॉल्व करना है। हमारे पास एक्स क्या है फाइव है, और वाई हमारे पास सिंपल क्या है वन है, क्योंकि आयोटा के साथ आयोटा हमारे पास सिंपल जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करती है। हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, नंबर्स लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास जो इनविजिबल नंबर है वन हम उसको लेंगे, तो फाइव का स्क्वायर होगा, और वन का भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और उसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास मॉड्यूलस का फार्मूला है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आएगा, 26 का स्क्वायर रूट। तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी 26। 14 नंबर एमसीक्यूज, इफ
मॉडुलस ऑफ x प्लस फाइव आयोटा इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू, अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखें। तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन क्या है, x प्लस फाइव आयोटा और वो बराबर है 3 के, x की वैल्यू मालूम करनी है, हम एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे, ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव आयोटा, और इस तरफ हम राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस में आ जाएगी। अब उसके बाद सिंपल हम प्लस का फाइव उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा। अब सिंपल हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, प्लस थ्री माइनस फाइव आयोटा। तो ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शंस इस ऑप्शन में गिविन नहीं है, तो इसमें जो राइट ऑप्शंस होगा वो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अब उसके बाद जो 15 एमसीक्यूज है वो देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3,4, तो 3,4 इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो सिंपल हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो ऑप्शन नंबर बी के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए और वो डिवाइड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद फिर कॉमा माइनस बी और वो डिवाइड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास जो सिंपल इसका जो जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर बी। अब 16 एमसीक्यूज, इफ़ जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा प्लस फोर देन जेड कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के लिए सिंपल हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है उसकी साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस थ्री आयोटा है ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा, तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन है, थ्री आयोटा प्लस फोर। क्वेश्चन नंबर 17, रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ आयोटा 3 माइनस टू आयोटा आर, अब हमें इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करना है, तो आयोटा जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आयोटा होगा, और आयोटा जब माइनस टू आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन को जब हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू। तो हमारे पास देखें क्या है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब पहले हम रियल पार्ट को रखना है और बाद में इमेजिनरी को, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें टू जो है ना वो रियल पार्ट बनेगा और जो आयोटा जिसके साथ होगी वो इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे थ्री हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अब 18 नंबर एमसीक्यूज, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी देन मॉड ऑफ जेड, तो ये आपके पास सिंपल फार्मूला है जो हमने आपको फर्स्टली बता दिया था, तो इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, वन प्लस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा होल पावर 12। इसको सिंप्लीफाई करें और इसका आंसर जो है ना वो इन चारों ऑप्शंस में से दें, तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करने से देखें क्या होगा, वन प्लस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा और उस पर होल पावर 12, तो पावर दोनों पे है इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वन प्लस आयोटा पावर 12 और अपान में वन माइनस आयोटा पावर 12। अब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम 12 को जो है ना वो 6 टाइम्स 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 प्लस आयोटा पावर 2, 1 प्लस आयोटा पावर 2, ऐसे अप टू हम इसमें जो है ना वो 6 टाइम 1 प्लस आयोटा को 2 की बेस में 2 की पावर में ओपन करेंगे। अब नीचे भी इसी सेम तरीके से हम 1 माइनस आयोटा को जो है ना वो 2 की बेस में अप टू 6 टाइम जो है ना वो ओपन करके रखें, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अप टू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट हम एक को ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें आखिर हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब फर्स्ट 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो सिंपल क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा और माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का जवाब क्या है, माइनस 1, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसके बाद 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर का जवाब देखें तो उसका जवाब हमारे पास सिंपल क्या आएगा, 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 दोनों में कैंसिल हो रहा है, सिर्फ हमारे पास इसमें क्या बच रहा है, प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो जब 6 टाइम हमने इसको ओपन किया है तो हमारे पास 6 टाइम्स जो है ना ऊपर 2 आयोटा बचेगा
बचेगा और नीचे माइनस टू आयोटा बचेगा। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो सिक्स टाइम टू आयोटा किसके बराबर होता है, सिक्स को जब सिक्स टाइम हम जब टू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आयोटा आ जाएगा। अब 64 आयोटा सिक्स टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके इसमें जो पावर आएगा वो कितना आएगा, आयोटा पावर सिक्स। और नीचे भी इसी सेम तरीके से माइनस 64 आयोटा पावर सिक्स। तो नीचे ये जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इवन टाइम कर रहे हैं। अब देखें तो हमारे पास ये 64 आयोटा पावर सिक्स 64 आयोटा पावर सिक्स आपस में डिवाइड होंगे, हमारे पास सिंपल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वन। तो इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसका लास्ट एमसीक्यू देख लें, द वैल्यू ऑफ आयोटा माइनस सेवन इज, आयोटा माइनस सेवन की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा माइनस सेवन को हम पहले पावर को जो है ना वो प्लस में लेके आए, तो वन अपान आयोटा सेवन। अब आयोटा सेवन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वन अपान आयोटा इंटू आयोटा पावर सिक्स। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या होगा, वन अपान आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। अगेन हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो माइनस वन आएगा। और माइनस वन को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी वैल्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा वन अपान माइनस आयोटा। तो हमें मालूम है कि अपान में जो आयोटा है उसको हमें नहीं रखना, तो हम इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो सिंपल हम माइनस आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास माइनस आयोटा है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं, वन मल्टीप्लाई माइनस आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को रख लें, माइनस आयोटा अपान में माइनस वन, माइनस माइनस से कैंसिल, हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, आयोटा अपान में वन। और वन हम शो नहीं करते तो सिंपल जो इसका आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो आयोटा। तो जो आपके पास इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है।